हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ऑनलाइन आवेदन इसके हो रहे हैं, 5 मार्च से आवेदन शुरू हो गए हैं जो चलेंगे 1 अप्रैल तक। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है दोस्तों, साथ ही साथ क्या योग्यता वगैरह है सारा डिस्कशन नोटिफिकेशन पर हो चुका है। उन वीडियोज़ पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि लोक सेवा आयोग का ये जो फॉर्मेट है फोटो और साइन वाला, ये हम कैसे बनाएं, काफ़ी छात्रों को इसको बनाने में दिक्कत हो रही है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी मिल जाएगी कि आप ये वाला फॉर्मेट अपने मोबाइल से ही कैसे बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउट नट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 से 12 IIT-JEE मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउट नट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 से 12 के लिए दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं, ये फॉर्मेट है क्या। ये जो पूरा इंटायर इमेज है यानी फोटो और साइन मिलाकर, ये 3.5 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर का है। यानी कि ये जो आप डायमेंशन देख रहे हैं ये 3.5 सेंटीमीटर है और ये पूरा आपका 6 सेंटीमीटर है, और जो फोटो वाला हिस्सा है ये 4.5 सेंटीमीटर है, और नीचे जो साइन है ये 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर का है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मेट तैयार करेंगे, इसमें फ़ोटो साइन सेट करके और इसका साइज़ चेक करके फिर इसे हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें, और आप जिस भी मोबाइल ऐप से, कंप्यूटर से, जिस भी सॉफ्टवेयर से अगर आप इसको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। एक बार आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक मैं डायमेंशन बनाऊँगा 3.5 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर का, यानी मैं इतना बड़ा एक 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊँचाई वाला मैं एक इमेज तैयार कर लूँगा जो बिल्कुल ब्लैंक होगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, एक फ़ोटो के लिए डायमेंशन बनाऊँगा 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर, सिर्फ इतने के लिए जो एक बिल्कुल ब्लैंक होगा और इसमें फ़ोटो आकर सेट हो सकेगा। और फिर मैं एक बनाऊँगा साइन के लिए अलग से डायमेंशन जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर ऊँचा होगा। तो इस तरह से मेरे पास 3 अलग अलग फाइल्स हो जाएंगी, एक कम्प्लीट फाइल, एक सिर्फ फ़ोटो के लिए और एक सिर्फ साइन के लिए। अब क्या करना है, हमें जो फ़ोटो वाला हमने तैयार किया था इसमें लाकर हम फ़ोटो को सेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन था पहले से ही ब्लैंक इमेज का इस फ़ोटो के आधार पर ही था 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर। जब इसी में हम फ़ोटो लाएंगे तो उसका जो डायमेंशन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। फिर यही सेम चीज़ हम साइन के साथ करेंगे, साइन हमारे पास एक पहले ही ब्लैंक साइज़ होगा जो कि 3.5 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर का हाइट होगा, इसमें लाकर हम साइन को सेट कर देंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो हमने एक बड़ा सा फॉर्म बनाया था 3.5 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर वाला, इसमें हम ऊपर लाकर फ़ोटो सेट कर देंगे। फ़ोटो का साइज़ पहले ऐसे ही सेट होगा और उसके बाद जगह बचेगा वो एग्जैक्टली साइन के लिए ही बचेगा, और यहाँ पर हम लाकर साइन को सेट कर देंगे। तो यही काम हमें करना है। अब आप इसे जिस भी ऐप के थ्रू करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों 2 ऐप यूज करने वाला हूँ, एक पिक्सल लैब और एक पिक्स आर्ट। आप चाहें तो एक ही ऐप से कर सकते हैं लेकिन 2 ऐप मैं यहाँ पर यूज करूँगा ताकि चीज़ें आसानी से हो सकें, और आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप भी बड़े ही आसानी से ये वाला फॉर्मेट बना पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ही अपना एक अच्छा सा फ़ोटो खींच लेना है। अगर आप स्कैन करवा के रखे हुए हैं या अगर आपके पहले से स्कैन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोटो बढ़िया से एक जगह रख कर और एक साफ़ सुथरा फ़ोटो खींच लीजिए। साथ ही साथ एक वाइट पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन से अपना साइन कर लीजिए और इसका फ़ोटो खींच लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो और साइन का जो भी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है उसे क्रॉप कर देना है। तो आप ये बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, सिंपली जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है आप इसको क्रॉप कर दीजिए और फिर आप इस फ़ोटो को सेव कर लीजिए। सेम यही चीज़ आपको अपने साइन के भी साथ करना है, साइन में जो भी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है उसे काट लीजिए और साइन इस हिसाब से करिए आपकी इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर चाहिए और हाइट आपको 1.5 ही सेंटीमीटर चाहिए,
तो इस हिसाब से आपको लंबाई ज़्यादा रखनी है और ऊंचाई कम रखनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली नापना नहीं है, लेकिन एक अंदाजे से करना है। तो यहाँ पर हमारा साइन भी क्रॉप हो चुका है, हम इसे भी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल में एक फ़ीचर होता है एडिट का, एडजस्ट का, इस तरह का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पर जाकर इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है और इसका कंट्रास्ट भी बढ़ा देना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा साइन अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको भी कर लेना है ताकि आपका साइन बिल्कुल क्लियर दिखे। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कंपैरिजन के लिए हमने फ़ोटो जब खींचा था तो इसकी क्वालिटी ऐसी थी, और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद ये अब ऐसा हो चुका है, ये अब क्लियरली विजिबल है। अब हम इसको भी सेव कर देते हैं। दोस्तों साइन और फोटो हमारा क्रॉप हो चुका है। अब हम बड़ा वाला जो फॉर्मेट है 3.5 cm × 6 cm का, उसको बनाएंगे। फिर फोटो के लिए अलग एक टेम्पलेट तैयार करेंगे और साइन के लिए अलग करेंगे। फिर फोटो और साइन को बड़े वाले टेम्पलेट में एडजस्ट कर देंगे। कैसे करना है आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं यूज करने वाला हूँ पिक्सल लैब ऐप, और इस ऐप के थ्रू ही हम जो टेम्पलेट है फोटो साइन और जो कंबाइन वाला है, इसी के हेल्प से करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस ऐप को खोलिए। यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है, इस डॉट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इमेज साइज, आज इमेज साइज पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप इसका विड्थ और हाइट दे दीजिए। विड्थ हम देंगे 3.5 का 350, और हाइट 6 सेंटीमीटर मांगा गया है तो हम देंगे 600, ताकि जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो मेंटेन हो सके और आपका फ़ोटो आसानी से बन सके, कोई दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये जो टेम्पलेट तैयार हुआ है ये 3.5 cm × 6 cm के एस्पेक्ट रेशियो में बन चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, से मतलब नहीं, ये सब कुछ ढक जाएगा। हमको सिर्फ ये साइज़ ही तैयार करना था, तो ये साइज़ हमारा तैयार हो गया है। अब हमको यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो मेमोरी कार्ड वाला आइकन बना हुआ, यहाँ पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करके आप इसे सेव टू गैलरी पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। अभी ये जो इमेज है, ये सबसे बड़ा वाला इमेज है, इसी के अंदर फोटो और साइन एडजस्ट होगा, ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम एक फ़ोटो के लिए भी टेम्पलेट तैयार करेंगे। इसके लिए आपको फिर वही सेम काम करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर आपको इमेज साइज़ पर जाना है, और 3.5 cm 300 यहाँ पर फोटो का भी विड्थ रखना है, लेकिन हाइट अब यहाँ पर आपको घटाकर 4.5 cm मांगा गया था, तो हम इसे 450 कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और फिर इसे सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसे भी सेव कर देंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, फिर 3 डॉट पर जाना है और साइन के लिए टेम्पलेट तैयार करना है। तो फिर हम इमेज साइज़ पर जाएंगे, विड्थ तो हमेशा 350 ही रखना है, यहाँ पर हाइट 1.5 cm है हमारे साइन का, तो 1.5 cm के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 150, और फिर ओके पर क्लिक करके, और फिर हम इसे भी सेव एज इमेज पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको तीनों टेम्पलेट बना लेने हैं। एक बार दोस्तों आपने ये फॉर्मेट बना लिया, तो लोक सेवा आयोग का आप कोई भी फॉर्म भर रहे हों, आप बड़ी आसानी से सब फॉर्म में ये फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म हो, फॉर्मेट सेम ही रहता है। अब आपके मोबाइल में पिक्सल लैब नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। आप यहां देख सकते हैं, ये हमारे साइन वाला टेम्पलेट है, आप इसका डिटेल देख सकते हैं। फिर ये हमारा फ़ोटो वाला टेम्पलेट है, और ये हमारा फाइनली सबसे बड़ा वाला टेम्पलेट है, जिसमें फ़ोटो और साइन दोनों को एडजस्ट करना है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं दोस्तों यूज करने वाला हूँ पिक्स आर्ट ऐप। आप ये भी काम पिक्सल लैब से ही कर सकते हैं, लेकिन मैं पिक्स आर्ट में ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं पिक्स आर्ट ही यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है पिक्स आर्ट ऐप। ये सभी ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, बहुत ही फेमस ऐप है। आप सिंपली सर्च करेंगे और आप इस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। पिक्स आर्ट खोलने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो फोटो वाला हमारा टेम्पलेट था उस पर आप क्लिक करिए, और इस टेम्पलेट में ये जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आपको अपना फोटो एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपका जहाँ पर भी फ़ोटो है, जो फ़ोटो अभी आपने क्रॉप किया हुआ था, यहाँ पर वो फ़ोटो है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा जो फ़ोटो है इसका बैकग्राउंड रेड है, और यहाँ पर जो फ़ोटो है इसका बैकग्राउंड वाइट है। ये मैंने कैसे चेंज किया, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ही दोस्तों आप यहां फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो यहां आ जाएगा। आपको सिंपली इस फ़ोटो को और जूम करके इस टेम्पलेट के अंदर पूरा एडजस्ट कर देना है। तो पूरा अच्छी तरीके से आप इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। ये जो फ़ोटो का साइज़ बनेगा, ये बिल्कुल वही बनेगा जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्योंकि जो पीछे टेम्पलेट था वो ऑलरेडी 3.5 cm × 4.5 cm के लिए बना हुआ था। तो आप फ़ोटो जितना भी चाहें जूम कर लें, या जूम इन करें, जूम आउट करें, वो इसी टेम्पलेट में ही होगा, तो आपका डायमेंशन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप यहाँ पर क्लिक करके इस
फोटो को सेव कर लीजिए, ये जो ऊपर एरो शो हो रहा है राइट साइड टॉप पर, वहाँ पर क्लिक करिए, गैलरी पर क्लिक कर लीजिए, ये आपका फोटो सेव हो चुका है। हम यहाँ पर बैक कर देंगे और दोस्तों हम लेंगे साइन वाला टेम्पलेट और सिंपली फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और जो भी आपने साइन क्रॉप करके ठीक बनाया था आपको इस साइन को इस वाले टेम्पलेट में सेट कर देना है। इसको भी आप अच्छी तरीके से जूम कर लीजिएगा, यहाँ पर भी जो हमारा टेम्पलेट है वो बिल्कुल पहले से ही तैयार है तो आपका साइन बिल्कुल परफेक्टली उसी साइज में बनेगा। तो इस तरह से आपका साइन तैयार हो जाएगा और हम इसे भी अब सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बड़े ही आसानी से अपने अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। फिर हम इसे बैक कर देते हैं और जो सबसे बड़ा वाला हमारा टेम्पलेट था जिसके अंदर फोटो साइन सब कुछ एडजस्ट होने वाला है, हम उस पर क्लिक करेंगे, यही वो टेम्पलेट है। हम अब क्या करेंगे, ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और अभी जो फोटो हमने तैयार किया हुआ है इस फोटो को हम यहाँ पर लाएंगे, जूम करेंगे और दोनों साइड वाले साइड को इसमें एडजस्ट कर देंगे। जैसे ही टच कर जाएगा इसको यहीं पर रोक देंगे और इसको उठाकर ऊपर टॉप से टच करवा देंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा और इसका हाइट 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोटो इसी वाले साइज में बना ही है और ये जो लाइन होगा वो एग्जैक्टली टॉप से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ पर आपका साइन एडजस्ट होगा और साइन तो हमारा पहले से तैयार ही है, उसको हम यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर देंगे। तो सिंपली हमको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है, साइन पर क्लिक करके ऐड करना है और इसको थोड़ा सा जूम करके दोनों साइड जब टच कर जाए तो वहाँ रोक देंगे और इस साइन को नीचे लेकर आएंगे और बिल्कुल लोअर जो इसका पार्ट है वहाँ से इसको टच करा देंगे और आप देख पाएंगे दोस्तों कि बिल्कुल ये लोक सेवा आयोग का फॉर्मेट तैयार हो चुका है और आप इस फोटो को बड़े ही आसानी से अपलोड कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर फिर से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एरो पर क्लिक करेंगे और इसको अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। पर सिर्फ एक चीज़ हमें देखना है कि इस फोटो का साइज़ आखिर कितना है। दोस्तों आपके मोबाइल में एक पिक्सार्ट नाम से फोल्डर बन जाएगा, वहाँ पर ये फोटो आ जाएगा। हम इसका अगर डिटेल्स देखते हैं तो इसकी जो साइज़ है वो 166 KB हो गया है, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा गया कि 50 KB से ज़्यादा का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, तो हम अब इसके साइज़ को कम करेंगे। तो दोस्तों फोटो के साइज़ को कम करने के लिए मैं एक वेबसाइट का यूज करने वाला हूँ। आपको सिंपली गूगल ब्राउज़र में अपने आकर सर्च करना है रिड्यूस फोटो साइज़ और सिंपली आप इसे अपने गूगल सर्च में सर्च कर दीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे resizeimage.net। ये दोस्तों जो वेबसाइट है सबसे बेस्ट है, मैं यही यूज़ करता हूँ, आपको मैं कहूँगा आप भी यही यूज़ करिएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इस तरह का दोस्तों वेबसाइट ये खुल जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अपलोड एन इमेज पर क्लिक करके अभी जो हमने फ़ोटो बनाया हुआ है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपके मोबाइल के जिस भी फोल्डर फाइल में ये फ़ोटो होगा आपको वहाँ पर क्लिक करके इसे अपलोड आपको यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों आपका जो फ़ोटो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमको दो चीज़ें करनी है। पहला चीज़ हमें क्या करना है, इसका जो साइज़ है पहले हम इसका एस्पेक्ट रेशियो ठीक करेंगे। यहाँ पर ये जो टिक मार्क लगा हुआ है कीप एस्पेक्ट रेशियो, इसे हम यहाँ से हटा देंगे और आप यहाँ देख सकते हैं 1080x1851 इसका एस्पेक्ट रेशियो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 350 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 600, ताकि हमारा दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन रहे। फॉर्मेट हमको JPG चाहिए तो हम यहाँ JPG पर रहने देंगे और आप यहाँ पर आइए और रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप यहां क्लिक करेंगे यहां पर देखने को मिल जाएगा हमारा जो पुराना इमेज था 165 KB का था और जो हमारा नया इमेज अभी तैयार हुआ है वो 81 KB का है। अभी भी ये 50 KB से ज़्यादा का है, ये अपलोड नहीं होगा, तो हम इसकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे ये 50 KB के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बेस्ट क्वालिटी पर सेलेक्ट है, हम यहाँ पर नॉर्मल कंप्रेशन पर क्लिक करेंगे और ये जो 91% आप देख रहे हैं इसे हम इधर सरका कर इसे लगभग 80% या 70 के आसपास जो है वो कर देंगे, मान लीजिए 75 कर देते हैं और फिर रिसाइज इमेज पर क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं कि अब इस फोटो का साइज़ कितना बना हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी कम हो गया है, 13 KB हो गया है और जो हमारा डायमेंशन है 350x600 है। दोस्तों ये फ़ोटो अब बिल्कुल तैयार है अपलोड होने के लिए। आप यहाँ पर साइज़ अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसे और बढ़ाकर 85 के आसपास कर सकते हैं। रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो ये 18 KB का है और ये जो डायमेंशन है ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसे पहले ही सेट कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये बनाना है, फिर आपको सिंपली डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है और ये जो आपका इमेज है ये डाउनलोड हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी जो इमेज डाउनलोड हुआ है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और मैं इसका अगर डिटेल्स देखूँ तो आप देखेंगे ये 18 KB का है, डायमेंशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमें चाहिए था। और आप ये लोक सेवा आयोग का कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो PCS हो या दूसरे कोई फॉर्म हो, आप वहाँ पर इसे अपलोड कर दीजिए, ये आराम से अपलोड भी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और सबसे लास्ट में जो मैं आपको बताया था कि मैंने बैकग्राउंड कैसे चेंज किया था, आप भी अगर करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आपको गूगल ब्राउज़र में जाना है और एक वेबसाइट है remove.bg, बहुत ही दोस्तों बेस्ट वेबसाइट है, और यहाँ से आप अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। वैसे अगर आप रिमूव करेंगे, क्रॉप करेंगे, तो काफ़ी मेहनत हो जाएगा। आप यहाँ पर आइए, अपलोड इमेज पर क्लिक करिए, फोटो का आपको बैकग्राउंड हटाना है उसे यहाँ अपलोड करिए। जब मुझको इस रेड वाले फोटो का बैकग्राउंड हटाना था तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, प्रिपेयरिंग अपलोड होगा, कुछ ही सेकंड में ये फोटो यहाँ अपलोड हो जाएगा। ऐसे अपलोडिंग होता है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड होकर इसका जो भी बैकग्राउंड है अपने आप से कट जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, जो भी रेड बैकग्राउंड है यहाँ से हट चुका है। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। और अब आप इस फोटो को जिस भी बैकग्राउंड के साथ चाहें यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फोटो डाउनलोड हुआ है इसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। जैसे मैंने टेम्पलेट बनाया था, आप एक टेम्पलेट बना लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड व्हाइट रखिए और वहां पर ले जाकर इस फोटो को एडजस्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल दोस्तों ये प्रोसेस है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फॉर्म भरने का जो वीडियो है उसका लिंक और नोटिफिकेशन पर डिस्कशन वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। उन वीडियो को एक बार आप चेकआउट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।